साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बालिका शिक्षा फाउंडेशन जयपुर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना के बारे में, जिसका नाम है इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना। अब इस योजना के बारे में आपके सारे सवालों के जवाब आज के वीडियो में मैं देने वाला हूँ। किस किस क्लास में ये योजना का लाभ मिलता है, योजना में यदि बालिकाएँ पात्र है तो उनको क्या पुरस्कार मिलता है, कितनी राशि मिलती है, कौन कौन सी क्लास की बालिकाएं इसके लिए पात्र होती है और किस किस वर्ग की बालिकाएं पात्र होती है, एक ज़िले में कितने स्टूडेंटों का इसमें चयन होता है और पात्रता एवं शर्तें क्या क्या है, ये सब आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं। यदि आपने अभी तक भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो आज के वीडियो में हम बालिका शिक्षा फाउंडेशन की इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना के बारे में बात करेंगे। जिले में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को कक्षा 8, कक्षा 10, कक्षा 12 और कक्षा 12 के सभी संकाय की बालिकाएं अलग अलग, जैसे साइंस के लिए अलग, कॉमर्स के लिए अलग, आर्ट्स के लिए अलग, की परीक्षा में निम्न वर्गों, अब निम्न वर्ग कौन कौन से हैं, अनुसूचित जाति है, जनजाति है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, अल्पसंख्यक है, निःशक्त जन है, सामान्य वर्ग है, विशेष पिछड़ा वर्ग है और BPL, इन 8 कैटेगरी के अंदर दोस्तों ये पुरस्कार योजना में बालिकाओं को लाभ मिलता है। जिले में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना हेतु कक्षा 10 एवं कक्षा 12 की परीक्षा 2021 में उपरोक्त वर्गों में प्रथम स्थान आने वाली निम्न बालिकाओं की सूची ईमेल के माध्यम से भिजवाई जा रही है। तो ईमेल के माध्यम से ये सूचना सभी जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को और संस्था प्रधानों को भेजी गई है। उक्त सूची में यदि कोई बालिका वर्तमान में अध्ययनरत नहीं है, उस बालिका से आवेदन पत्र नहीं भरवाया जाना है। तो कंडीशन यह है कि 10वीं, 8वीं और 12वीं पास करने के बाद में आपको अगली क्लास में पढ़ते रहना पड़ेगा, अध्ययनरत रहना पड़ेगा। यदि आपने पढ़ाई छोड़ दी है तो फिर आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा और आवेदन पत्र के साथ में आपको निम्न दस्तावेज संलग्न करने हैं। दोस्तों इसके लिए आवेदन पत्र ऑफलाइन ही भरवाए जाते हैं, तो आप यदि अपने ज़िले में प्रथम स्थान रखते हैं इन 8 कैटेगरियों में, 8वीं, 10वीं और 12वीं क्लास के अंदर, 12वीं क्लास के तीनों संकाय के अंदर, तो आप अपने संस्था प्रधान से, स्कूल के संस्था प्रधान से या कॉलेज के प्राचार्य के माध्यम से आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने की व्यवस्था अभी तक इसमें नहीं है। तो कक्षा 10वीं उत्तीर्ण बालिका से 11वीं में नियमित अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र, जिन बालिकाओं का चयन 10वीं क्लास के लिए किया जाना है उनके लिए 11वीं का नियमित अध्ययनरत प्रमाण पत्र होना चाहिए। कक्षा 12 उत्तीर्ण बालिका से कॉलेज अन्य संस्थान में नियमित अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र चाहिए। 12वीं की यदि बालिकाएं हैं, 12वीं उत्तीर्ण कर ली है तो कॉलेज का सर्टिफिकेट चाहिए जिसमें अध्ययनरत दिखाया गया हो। बैंक पासबुक की प्रति, बैंक खाता बालिका के नाम का ही होना चाहिए, इसमें बालिका के नाम का ही खाता आपको चाहिए। बैंक खाता वर्तमान में चालू स्थिति में होना आवश्यक है। साथ ही ये भी आप पता कर ले कि बालिका के जो खाता है उसमें 75,000 रुपये और 1,00,000 रुपये जमा हो जाने चाहिए। कई बार खाते में लिमिट सेट होती है तो 75 और 1,00,000 रुपये की राशि उसमें जमा नहीं होगी। 75,000 रुपये दोस्तों 10वीं क्लास में उत्तीर्ण बालिकाओं के लिए मिलते हैं और 1,00,000 रुपये 12वीं क्लास की उत्तीर्ण बालिकाओं को इन 8 कैटेगरी के अंदर जिले में टॉप जो बच्चियाँ होती हैं उनको मिलते हैं। संबंधित जाति का जाति प्रमाण पत्र भी आपको चाहिए, तो ऑनलाइन वाला जाति प्रमाण पत्र भी आप बनवा लें, आपका खाता सही नहीं है तो खाता सही करवा लें। आधार कार्ड एवं जन आधार कार्ड की प्रति भी चाहिए और 10वीं 12वीं 8वीं की अंक तालिका की प्रति चाहिए। तो दोस्तों ये संस्था प्रधान द्वारा ये आवेदन भरे जाएंगे, तो आप अपने संस्था प्रधान से संपर्क कर लें। मेरे पास में ये करौली ज़िले की सूची है, इसमें देखो यहाँ पर ये ऊपर कॉमर्स वाली बच्चियाँ हैं 12वीं क्लास के लिए और ये साइंस वाली बच्चियाँ हैं, यहाँ पर आर्ट्स वाली बच्चियाँ हैं और यहाँ पे 10वीं क्लास के लिए है पात्र बालिकाएँ। तो प्रत्येक ज़िले में सबसे अधिक टॉप करने वाली बालिकाओं को पुरस्कार मिलता है और इसके लिए 8 श्रेणियाँ निर्धारित की गई है जो ऊपर मैंने बताई है। उन सभी श्रेणियों में टॉप करने वाली बच्चियों को ज़िले में ये पुरस्कार दिया जाता है। 8वीं पास के लिए 40,000 रुपये की राशि दी जाती है, 10वीं पास के लिए दोस्तों 75,000 रुपये की राशि दी जाती है और 12वीं पास के लिए दोस्तों तीनों संकाय में 8 कैटेगरी में टॉपर बच्चियों को 1,00,000 रुपये की राशि और स्कूटी दी जाती है। इसके बारे में और निर्देश हम जान लेते हैं। बालिका शिक्षा फाउंडेशन राजस्थान जयपुर की योजना है और 2021 के लिए प्रस्ताव मांगे गए हैं 8वीं 10वीं और 12वीं तीनों संकाय में अलग अलग। 12वीं के लिए ST SC अन्य पिछड़ा वर्ग है, अल्पसंख्यक है, निःशक्त है, सामान्य वर्ग है, विशेष पिछड़ा वर्ग है, BPL, इन वर्गों की जिले में टॉप करने वाली बालिकाओं को ये पुरस्कार दिया जाता है।
कक्षा 8वीं की बालिकाओं को 40,000 रुपये, 10वीं की बालिकाओं को 75,000 रुपये, 12वीं की बालिकाओं को 1,00,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाता है। कक्षा 8 संस्कृत विभाग प्रवेशिका वरिष्ठ उपाध्याय की बोर्ड परीक्षा में उपरोक्त वर्गों में राज्य स्तर पर प्रथम स्थान आने वाली बालिकाओं को यह पुरस्कार दिया जाता है। कक्षा 12 एवं वरिष्ठ उपाध्याय के पुरस्कार में पात्र बालिकाओं को पुरस्कार राशि के साथ अतिरिक्त स्कूटी भी दी जाती है। तो 12वीं पास करने वाली बच्चों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि 1,00,000 रुपये तो आपको मिलेंगे, साथ में आपको स्कूटी भी दी जाएगी। कक्षा 8 के लिए दोस्तों COVID-19 के कारण परीक्षाओं का आयोजन नहीं हुआ था, तो इसके कारण न्यायोचित मेरिट लिस्ट के अभाव में उक्त दोनों शैक्षणिक सत्रों में 2019-20 में और 20-21 में इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना को स्थगित किया गया है 8वीं कक्षा के लिए। आपको अगली क्लास में नियमित अध्ययनरत होना पड़ेगा, इसका प्रमाण पत्र भी आपको संलग्न करना पड़ेगा। यदि आप नियमित अध्ययनरत है तो नहीं है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ये दोस्तों इसके लिए आवेदन पत्र होता है, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार प्राप्त करने वाली छात्रा का विवरण। आवेदन पत्र सत्र 2022-23 के लिए है, जिन बालिकाओं ने 2021 में बोर्ड की परीक्षा में अपने ज़िले में टॉप स्थान प्राप्त किया है 8 कैटेगरी के अंदर 10वीं-12वीं क्लास में, तो उनके लिए ये आवेदन पत्र संस्था प्रधान द्वारा भरवाया जाएगा। छात्रा के हस्ताक्षर होंगे, माता पिता के यहाँ पे पिता के हस्ताक्षर होंगे और डिटेल सारी इसमें भरनी पड़ेगी और ये संस्था प्रधान का प्रमाण पत्र नीचे है। ये फॉर्म भर के दोस्तों आपको जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में भिजवाना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में हमने जाना इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना के बारे में। धन्यवाद, आज के वीडियो में बस इतना ही।